गुड मॉर्निंग गाइस, अभी अभी राज निकले हैं ऑफिस के लिए और मैं आप लोगों से बातें करने शुरू कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी बातों नहीं हूँ। और मेरा क्या होता है कि यहाँ पे तो इतने सारे लोग नहीं मिलते हैं बातें करने के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं खूब सारा बातें करूँ तब तो मैं कैमरा उठा के बैठ जाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों से जब बातें करती हूँ मुझे लगता भी नहीं है कि मैं इंडिया के बाहर हूँ, मेरे पास अभी बातें करने के लिए कोई नहीं है, मेरे रिलेटिव वगैरह मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ सब लोग मेरे पास है, मेरे साथ है, तो मुझे बहुत खुशी मिलता है इस चीज़ में। कुछ देर पहले ही मैंने चाय वाय पी लिया है, ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है और कल रात को ये बाहर से आने के वक्त सडनली बोला कुछ खाना मत बनाओ, मैं बर्गर लेके आ जाऊंगा। मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं बंगाली हूँ, इसलिए सॉरी, मगर मुझे पता है आप लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे। हेवी खाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं वेट लॉस करना चाह रही हूँ और थोड़ा सा वेट लॉस भी किया है। वो बर्गर खाने के बाद मेरा पेट बहुत हेवी सा लगा, तक सुबह में मुझे उठ के भी मुझे मेरा पेट थोड़ा सा हेवी ही लग रहा है। ब्रेकफास्ट नहीं खाना है अभी मुझे लग रहा है, लूंगी तो भी सिर्फ एक बोल फ्रूट ही लूंगी। और करीबन 5 किलो वेट लॉस किया है। वेट लॉस करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी शुरू किया है और खाने में भी जैसे हेल्दी खाना ही खाते हैं, ऐसा नहीं डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि डाइटिंग मैं करना भी नहीं चाहिए और मैं करती भी नहीं हूँ क्योंकि डाइटिंग से क्या होता है, आपकी स्किन, आपकी जो बोन का स्ट्रेंथ और आपकी जो हेयर है खराब हो जाते हैं, तो आपको डाइटिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ हेल्थी खाना, जैसे हेल्थी रहना चाहिए होता है तो हेल्थी खाना खाना है आपको, हेल्थी अगर रहना है तो। और वेट लॉस करने के लिए मैंने अमेजोन से कुछ डंबल्स और केटल्स होता है वो सब मंगाया है, तो वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। बैंड भी मंगाए हैं, एक्सरसाइज बैंड मंगाए हैं और ये केटल्स होते हैं मंगाए हैं। मैं इसे खोलती हूँ अभी आप लोगों के सामने क्योंकि ये डंबल्स तो कल रात को ही मेरे हस्बैंड ने खोल रखा था और इसे मैं अभी कल रात को नहीं खोल लेते, मैंने बोला छोड़ो अभी क्योंकि रात बहुत थोड़ा सा लेट भी आए थे और हम लोग लेट भी हो गया था, बोला चलो चलो जाके सो जाते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठना है तो ऑफिस के लिए तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है। ये वाला है 2 kg। ओह मैं तो 2 kg से ही करूँगी यार। ऐसे ये तीनों मेरे लिए है और डंबल्स इनके लिए है। मगर 4 kg तो बहुत हेवी है, मैं उठा लूँगी। चलो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट करना है, तो थोड़ी सी बल्की हो चुकी थी। इट्स ओके, गुड, नाइस परचेजिंग। अब ये सब जो एकदम फैला हुआ है वो सब ठीक करना है। एक्सरसाइज तो मैं शुरू करूँगी मगर मैं डेली वॉकिंग ज़रूर जाती हूँ, जैसे मुझे वॉकिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। वॉकिंग सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, उससे क्या होता है आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होती है। जैसे मैं डेली 3 किलोमीटर बहुत थोड़ा जोर जोर से हाथ पैर हिला हिला के वॉकिंग करती हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। वॉकिंग करना सबको चाहिए। वॉकिंग के लिए जैसे आप 45 मिनट्स एक पूरे दिन में निकाल लेना ज़रूरी होती है, तो हेल्दी रहने के लिए वॉकिंग बहुत अच्छा है। आप लोग कुछ भी एक्सरसाइज मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूर 45 मिनट्स वॉकिंग करना। अब मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बोल में ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा फ्रूट लेके आती हूँ क्योंकि पेट तो खाली नहीं रखना चाहिए।
काम को ख़त्म कर लिया है और मैंने नहा के पूजा भी कर लिया। सुबह का जो काम था मेरा सारा ख़त्म हो गया है। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और मेरे देखो कपड़े भी सूख रहे हैं, मैं धो के कपड़े भी डाल चुकी हूँ क्योंकि आज जैसे ही मैंने देखा कि धूप चढ़ा है बहुत, तो तुरंत मैं जाके कपड़े वपड़े लेके वॉशिंग मशीन में डाल के धो के लगा दिया है, वो भी सूख रहा है। बीच बीच में मैं काम करते करते ऑफिस का काम भी कर रही थी। जैसे ऑफिस का काम और घर का काम दोनों जब करती हूँ तो थोड़ा सा टायर्ड भी फील करती हूँ बहुत ज़्यादा, मगर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। आप थोड़ा टायर्ड लगते हैं मगर उसमें एकदम आप लोग अगर शेड्यूल करके अपने काम को करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आज का दिन मुझे किचन का क्लीनिंग करना है, आज का दिन मैं लिविंग रूम का क्लीन करूँगी, आज का दिन मुझे ये करना है बेडरूम का क्लीन, ऐसा ऐसा आप लोग अगर एक एक दिन का शेड्यूल करके आप काम करोगे तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। एक मिक्स वेजिटेबल लिया है, इसमें पालक है, पोटैटो है और कैरेट भी है और उसके साथ आई मिक्स चना भी है। जस्ट बॉईल किया है मैंने और उसको बॉईल करने के बाद थोड़ा सा एक आधा चम्मच भी नहीं, थोड़ा सा इतना सा ही घी में और थोड़ा सा तड़का लगाया है जैसे मस्टर्ड सीड्स का और थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा सांभर पाउडर डाल के ऐसे एक बना लिया। और मैंने उसके साथ दो बॉयल एग लिया है मगर एक का मैं येल्लो नहीं लूँगी, सिर्फ व्हाइट ही लूँगी, और एक बनाना और योगर्ट मेरे को रहता ही है। आज सुबह एक्चुअली मैं सुबह योगर्ट लेती हूँ, सुबह मैंने योगर्ट नहीं लिया, जैसे मैंने बोला है मैंने मुझे भूख नहीं था ज़्यादा, सुबह ब्रेकफास्ट लेने के लिए मन नहीं कर रहा था तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट्स लिए थे, तो सुबह की जगह पे मैं अभी मैं योगर्ट ले रही हूँ। बस इतना ही है आज मेरा लंच में। लंच में मैं इस तरह की कुछ खाती हूँ कि थोड़ा एक सारा वेजिटेबल को मिक्स करके एक सब्जी होती है और ऐसा ही एग होता है और एक कोई भी एक फ्रूट होता है, तो एप्पल हो या तो बनाना हो, और कभी कभी होता है कि इसके साथ थोड़ा सा सलाद भी रहता है। आज मेरे घर में सलाद ख़त्म हो चुका है तो मैं सब्जी और एग और बनाना और योगर्ट से काम चलाऊँगी। और क्योंकि मैं दोपहर में कभी भी राइस और रोटी कुछ भी नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे जैसे हेवी नहीं खाना होता क्योंकि ऑफिस का काम भी करना पड़ता है और घर साथ साथ में मैं घर का काम भी करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा हेवी खाने से क्या होता है कि नींद आता है, तो मैं नहीं ज़्यादा हेवी खाती। और इवनिंग को मैं हमेशा रोटी लेती हूँ, चावल मैं हफ्ते में एक दिन और दो दिन मैक्सिमम लेती हूँ, ज़्यादा दिन नहीं लेती हूँ। चुके हैं और मेरा जो आज का ऑफिस का काम ख़त्म हो चुका है, अभी मुझे रात का डिनर बनाना है। आप लोगों ने देखा है कि मैं ऑफिस के काम के बीच बीच में उठ के आयरन किया, थोड़ा थोड़ा और भी कुछ काम था मेरा वो सब किया है, ऑफिस का काम भी चल रहा था, घर का काम भी चल रहा था, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ क्योंकि ऑफिस का काम तो हो चुका है। आज बज चुके हैं, अभी मुझे रात का डिनर बनाना है क्योंकि रात आने के पहले ही मैं डिनर बना लेती हूँ, वो आने के बाद हम लोग दोनों बैठ के थोड़ी देर बातें करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद दोनों वॉकिंग पे जाते हैं, वॉकिंग से आके हम लोग थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं।
I'm so tired. I'm done with my cooking. Raj on the way. वो आते ही होंगे 30 मिनट्स में, मुझे लगता है वो आ जाएंगे घर में. और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ. मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में. और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये सुबह से इवनिंग तक का जो रूटीन था वो कैसा लगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना. मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.